सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लॉन्च ऑफ मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी। यस गाइस, फाइनली स्विफ्ट में भी काफ़ी जल्द सीएनजी आने वाला है। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग इस कार का वेट कर रहे थे, सीएनजी वेरिएंट, एंड आप लोग काफ़ी बार कमेंट भी करते रहते हैं कि फाइनली कब ये लॉन्च होगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी बता रखा था रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ स्विफ्ट सीएनजी, दैट इट इज़ नॉट एट ऑल कन्फर्म्ड। मारुति इसे कभी भी लॉन्च कर सकती है, लाइक ये तो कन्फर्म था कि इसे लॉन्च होना है सीएनजी में, बट एग्जैक्ट डेट मारुति ने अनाउंस नहीं की थी। बट फाइनली अब हो चुकी है, एंड हो सकता है अगर आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप पर कॉन्टैक्ट करें और वो स्विफ्ट सीएनजी की बुकिंग ले रहे हों। जी हाँ गाइस, कई सारे डीलरशिप्स ने स्विफ्ट सीएनजी की अनऑफिशियली बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। लगभग 11,000 देकर वो बुकिंग करा रही हैं। ऑल्दो अभी मारुति ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, बट इससे ये कन्फर्म हो रहा है कि विद इन अ मंथ मारुति स्विफ्ट में हमें सीएनजी देने वाला है। तो गाइस, हो सकता है कई सारे लोग 18 अगस्त बोल रहे हैं, बट डेट अभी मारुति ने कन्फर्म नहीं की है ऑफिशियली। बट इतना श्योर है कि अगस्त मैक्स टू मैक्स सितंबर में स्विफ्ट में आपको सीएनजी देखने को मिल रहा होगा। एंड ऑल्सो आज ही अल्टो K10 का जो है उसका टीजर भी रिलीज कर दिया है, तो यार आप उसे भी देख सकते हैं। उसका भी लॉन्च होना है इसी मंथ, तो काफ़ी सारे लॉन्चेस करने वाले हैं मारुति सुजुकी। एंड ऑल्सो गाइस, जो रह रहा था लाइक अरीना में सिर्फ दो ही कार्स बची थी जिनमें हमें सीएनजी नहीं देखने को मिलता है, एंड मारुति का प्लान है यार वो अपनी सारी कार्स में हमें सीएनजी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो अरीना में सिर्फ ब्रेजा और स्विफ्ट ही रह रही थी, बाकी ब्रेजा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर दिया कि कब हमें में सीएनजी देखने को मिल रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। एंड स्विफ्ट का आपको आज कंफर्म हो चुका है। सो नाउ गाइस, अब अगर बात की जाए रिगार्डिंग दी स्विफ्ट सीएनजी के डिटेल्स के बारे में, तो इसमें आपको वही डिजायर का सेम 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिल रहा होगा, जो कि लगभग 76 bhp की पावर निकाल कर देगा इन सीएनजी मोड, एंड 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर आपको दे रहा होगा। एंड गाइस, अब अगर बात की जाए किन-किन वेरिएंट्स में आपको सीएनजी देखने को मिल जाएगा, तो VXi एंड ZXi में आपको हो सकता है कि सीएनजी देखने को मिल जाए, एंड आई डोंट थिंक सो कि मारुति इसके बेस वेरिएंट में आपको सीएनजी प्रोवाइड कराएगा। एंड गाइस, मैं होप करता हूं कि मारुति स्विफ्ट सीएनजी में वही सेम डिजायर सीएनजी वाली मिस्टेक नहीं करेंगे। काफी बड़ा कौन हमें देखने को मिल जाता है डिजायर सीएनजी में, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो कर रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी मारुति क्या करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।